debut movie. So how excited? What up on your stomach? How excited? I think I have the entire zoo in my stomach right now because I'm very excited. P.S. Being an actor is not easy. Hats off to all the actors who've been like, you know, interviewing, promoting the film, and it's my first time. So I'm just trying to cope up, and I'm extremely happy about the fact that my entire, like my friends and my family are here to watch the film. So I'm quite eager and excited to see the reviews. Okay, there are very superstar in this movie, like Richa is there. Yes. Rajkumar is there. Yes. And also Manoj sir is there, Frida Pinto is also there. So do you think overshadow somewhere little bit, because there are so many artists. Can I say something? When you have shadow on your face, no, you still look beautiful. It doesn't matter aapke, matlab, you know, it doesn't really matter ki, for me what matters is I got a chance to work with the best co-actors. और खुश नसीब हूँ मैं शायद क्योंकि पहली फिल्म में इतनी बेहतरीन उमदा कलाकारों के साथ मुझे काम करने को मिल रहा है. सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड मैंने बस ये देखा है कि मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखूँ इस प्रोजेक्ट थ्रू. ओके, ये मूवी के साथ एक स्पेशल मैसेज भी है जी. देखिए बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा कोई सिनेमा नहीं बना, यू नो वी फील लाइक वॉचिंग अ सिनेमा. मूवी तो हर कोई देखता है पर सिनेमा देखना है, इट शुड बी अ कल्ट फिल्म. जब लोग थिएटर से निकले तो वो एक मैसेज के साथ निकले कि हाँ कुछ करना है. अगर ऑडियंस पर थोड़ा सा भी इम्पैक्ट या दो घंटों के लिए अगर वो सोनिया से कनेक्ट कर पाएंगे तो मेरे लिए एज एन एक्टर, स्पेशली जबकि मेरी ये डेब्यू है, सो एज एन एक्टर माई मिशन इज़ अकम्प्लिश्ड. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि मैं मुझे ऐसा सब्जेक्ट मिला जहाँ पे तबरेज़ नूरानी कास्टेड अ न्यू कमर हु हैड टेलीविजन बैकग्राउंड. सो हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर्स लाइक तबरेज़ नूरानी हु स्टिल एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री. और रही बात लड़कियों की, तो ये फिल्म आपके लिए बनाई गई है ताकि आपको पता रहे कि आपके साथ क्या हो सकता है और अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए क्या मेजर्स ली जाए, स्पेशली फॉर द गर्ल्स आउट देयर. वो मेरे लिए मेरे को एक्टर्स नहीं है, वो मेरी फैमिली है. सो अब आज मेरी पूरी फैमिली मेरे मतलब मम्मी पापा के साथ फिल्म देख रही है. आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैट. अब फीडबैक उनके आने के बाद ही पता चलेगा दैट हाउ दे फील अबाउट इट. ओ इज इट, थैंक यू सो मच. आई एम वेरी ब्लेस्ड क्योंकि लाइक आई सेड मुझे हमेशा मौका मिला अच्छे बेहतरीन कलाकारों के साथ काम करने का. और टुडे ऑल द बेस्ट एक्टर्स एंड ऑल द बेस्ट डायरेक्टर्स आर वॉचिंग द फिल्म एंड आई एम क्वाइट नर्वस. पूरा का पूरा जू इट्स लाइक डूइंग खलबली इन माई स्टमक. जी सी आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर मिस कामरा, इट्स हर डेब्यू इज वेल. और मेरा दोस्त है जैकी, उनकी फिल्म हम दोनों की फिल्म एक ही दिन आ रही है. सो द बेस्ट थिंग इज दैट उनके गाने अच्छे, एवरीथिंग इज लवली. यू नो यार इट्स I'm doing films for fun and I'm doing films for satisfaction and I'm doing films so that people ko logo ko pata chale that what my passion is. Right now I'm not getting into that kyunki competition hoti rahegi baad mein, lekin this is my first, so I'm just enjoying ki wo first ka jo phase hota hai wo bahut aisa phase hota hai. Okay, last ek question. Ji आपको सुना ही होगा कि आरके स्टूडियो सोल्ड होने वाला है, बट मैनी पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री हैव टेकन अ इनिशिएटिव कॉल हैशटैग बिकने नहीं देगी. ओके, मुझे इसके बारे में ऑनेस्टली नहीं पता है, लेकिन सिंस आपने अभी मेंशन किया आई विल फाइंड आउट मोर अबाउट दैट. ओके, तो बहुत सारे कहा कि फॉरेन से भी आते हैं देखने ये स्टूडियो और इट्स एन आइकॉन ऑफ बॉलीवुड. सो क्या आपका क्या टेक है, क्या कहना चाहेंगे? सी, इट इज एन आइकॉन सो वी शुड प्रिजर्व इट एंड आई विल रिसर्च मोर अबाउट दैट. And I'll definitely take a stand about it. Manali, you're the part of the Balaji. Everyone knows the Balaji now coming with new show performing. How you see that? ओ माई गॉड, आपने ट्रेलर देखा, इट वॉज सो लवली. शाहरुख एंड एकता, माई गॉड, इट्स सो लवली. आई एम जस्ट विशिंग द एंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट. ओके, हाउ यू सी दैट द कोमोलिका रोल रीना खान इज डूइंग एंड अदर्स? सी, टॉकिंग अबाउट बालाजी, लुक हु वी हैव विशाल. आई एम सो हैप्पी ही इज हियर, ही इज हियर टू वॉच माई फिल्म. आई वॉज टेलिंग द स्टोरी दैट मी एंड मृणाल न्यू ईच अदर, वी वर नॉट दिस थिक फ्रेंड्स. But imagine, I told you guys, my agency's manager, who's a
who was a gori. She was telling me about this film that I have seen this film called Love Sonia, and she was like, the performances are brilliant and the girl is so good in the film. LA mein. And I used to live in LA. And then I happened to speak to her about the film and she told me that's my film. And I'm so proud. I'm so proud of him. See, when you have a family like this to support, mujhe kya chahiye aur, I'm so happy. Thank you guys. Thank you.